निगम भिलाई की महापौर नीरज पाल ने गौठान पहुंचकर छत्तीसगढ़ के पारंपरिक पर्व हरेली महोत्सव में हिस्सा लिया। वहीं उन्होंने विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं की शुरुआत भी की। महापौर ने कृषि यंत्रों की पूजा कर शहर के खुशहाली के लिए कामना की। उन्होंने इस पर्व पर शहरवासियों को बधाइयां भी दी। महापौर नीरज पाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा हरेली पर्व पर बड़े हर्षोल्लास के साथ त्योहार को मनाने अवकाश घोषित किया गया है, ताकि सभी इस पर्व में शामिल होकर इसका हिस्सा बन सके। वहीं विधायक देवेंद्र यादव ने भी हरेली पर्व पे सभी को बधाई दी है। भिलाई के शहरी गौठान में हरेली त्योहार के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें महापौर एवं जनप्रतिनिधियों सहित आयुक्त एवं अधिकारीगण तथा महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मटकी फोड़, रस्सा खींच, नारियल फेंक, गुल्ली डंडा और गेड़ी दौड़ जैसी प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। महापौर नीरज पाल एवं आयुक्त लोकेश चंद्राकर ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और प्रतियोगिता की शुरुआत कराई। महापौर ने मटकी फोड़ प्रतियोगिता में प्रथम बार में ही जीत हासिल की तथा निगम आयुक्त लोकेश चंद्राकर ने बाएं हाथ से ही नारियल दूर तक फेंक कर सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। रस्सा खींच में महिलाएं पुरुषों से कम नहीं रही। अपना दमखम दिखाते हुए उन्होंने रस्सा खींच में जीत हासिल की। उपस्थित जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों कर्मचारियों ने गिल्ली डंडा का भी खूब आनंद लिया और इन प्रतियोगिताओं में अपने बचपन को याद किया। हरेली पर्व से आज छत्तीसगढ़ के त्योहारों की शुरुआत होती है। हरेली के दिन कृषि यंत्रों की पूजा अर्चना कर विभिन्न प्रकार के छत्तीसगढ़ी पकवान तैयार किए जाते हैं। हरियाली बनी रहे इसकी कामना भी की जाती है। लोग खुशी से इस त्योहार को मनाते भी हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।